हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज जो है हम दो ऐसी अल्टीमेट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सैमसंग के फ़ोन में बिल्कुल है, और उनको आप अपने फ़ोन में कैसे इनेबल करेंगे और कैसे करना है कैसे नहीं। आप मेरा वीडियो पूरा यहाँ पर पूरा देखते रहिए। तो इसके लिए आपको जो है फर्स्ट वाली ट्रिक के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन जो सेकंड वाली ट्रिक है उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके फ़ोन का ही फीचर है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं, तो ट्रिक जो है ध्यान से देखना, काफ़ी काम आएगी आपकी। तो आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है परमिशंस मांगेगा, तो अपने परमिशंस अलाउ कर देनी है सारी। फिर परमिशन अलाउ करने के बाद जो है आपने इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो है आपके फ़ोन में इस तरह का जो है एक आइकन बन जाएगा। तो इस आइकन का क्या काम है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो जैसे कि इस आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन जो है ये बैक का बटन जो है ये करेगा। कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन का बैक बटन जो है ये काम नहीं करता है, तो उस केस में जो है आप इस आइकन को डाउनलोड करके जो है बैक का काम ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसको कहाँ जहाँ मर्जी आप लेके जा सकते हैं, जिस मर्जी कोने में जो है रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और इसको जो इसके जो आइकन थीम है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे थीम में के तो इसके जो आइकन थीम है इसको भी आप जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आएगा उस हिसाब से जो है आप जो है सेट कर सकते हैं। और इस प्रेस का वाइब्रेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, जैसे कि टच वाइब्रेशन, जैसे हम इसको टच करेंगे तो वाइब्रेशन होगी, उसको भी यहाँ से जो है आप ऑन कर सकते हैं। तो आपको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको छोटी हल्की सी वाइब्रेशन होगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बैक बटन जो है वो प्रेस हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है और आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अल्टीमेट है। तो अब हम जो है नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वो आपके फ़ोन का हिडन फीचर है, उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि वो कौन सा फीचर है। जैसे कि आप पावर की जो है प्रेस करते हैं, मैंने प्रेस कर दी लॉन्ग प्रेस, आपको जो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, इमरजेंसी मोड। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन का मोड भी आ रहा है, और लॉकडाउन का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि आप इस यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप चाहेंगे लॉकडाउन मोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा और उसको जो है पैटर्न लग जाएगा। तो जब तक आप इसे पैटर्न नहीं लगाएंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में पैटर्न अलाउड है, पैटर्न आपने रखा हुआ है लेकिन आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया, तो अगर लॉकडाउन मोड पे जो है क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में पैटर्न भी लग जाएगा और आपका फ़ोन जो है लॉक भी हो जाएगा। और दोस्तों, आपने ये लॉकडाउन का मोड जो ऑप्शन है कहाँ से एक्टिवेट करना है, तो आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पे। तो सेटिंग पे चले गए, उसके बाद जाना है आपने लॉक स्क्रीन पे चले गए। उसके बाद जाना है आपने सिक्योर लॉक सेटिंग पे। सिक्योर लॉक सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन का पैटर्न मांगेगा, तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आएगा शो लॉकडाउन ऑप्शन, यहाँ से जो है आप अपने लॉकडाउन ऑप्शन को शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।